खबर गर्मा गर्म में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। सेक्टर 33 में शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक अमित शाह की रैली होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा में विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मनमोहन की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। 2017 के बाद से यूपी में दंगे, पलायन, कर्फ्यू, माफिया राज अब खत्म हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में संभल और मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के पीएम बनने का सबसे बड़ा कारण यूपी ही था। उन्हें तीसरी बार भी पीएम बनाना है, इसलिए इस बार ना 73 चलेगी ना ही 65 चलेंगी। इस बार 80 की 80 सीटें मोदी की झोली में जाएंगी। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। अमित शाह ने कहा कि कभी राहुल बाबा हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में एक बार फिर आपने मोदी जी की सरकार बनाई। 5 साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक, मैंने बहुत मजाक सहन किया है 14 से 19। 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। अमित शाह ने कहा कि वो 2013 में भी पश्चिमी यूपी आए थे। उस वक्त यहाँ पर डर, दंगे, गौ तस्कर और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहाँ पर डर, गुंडे और गौ तस्कर की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास का काम आगे बढ़ा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कल जारी करेगी बीजेपी। पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे यहां पर। इसके अलावा जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कल जारी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों के सामने भड़काऊ बयान देते दिख रहे हैं, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है। सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना। बात हंसने की बात नहीं है, यह अमित शाह कह रहा है, यह अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही, कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे, ये साजिशें हैं।
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल आईपीएल मैच में राजनीतिक नजारा देखने को मिला। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के दौरान अब की बार 400 पार के नारे के पोस्टर लगे को दिखाई दिए। पीएम मोदी के युवा प्रशंसकों ने अब की बार 400 पार के पोस्टर लगाए। अमरोहा में बीजेपी नेता के घर में घुसकर 3 दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चार छह लड़के डंडे और अद्धे लेकर आए और हमारे चचा के मकान पर हमला किया और अगर हम गेट अंदर से बंद नहीं करते तो जान से मार देते। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग तैयार थे। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर फौरन पहुंची। अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो वह हम लोग को जान से मार देते। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।